नाम बताओ अपना, नाम बताओ। मेरा नाम जसबीर है। अच्छा, कहाँ, कौन सा गांव है? तरावड़ी। तरावड़ी जी। अच्छा, ये बच्चे क्या नाम है? हाँ जी, बच्चे दा समर, अधिकार दा समर आने आ। अच्छा, ते ओंजे दा वरनदीप नाम है। कहाँ रहता था? तरावड़ी। हुण महीना हो गया, इथे लैके आई सी अपने पेके, ओथे लड़ झगड़ के, पहला भी लड़के आई है। तीन साल दा सी ते इथे एक्सीडेंट होया दनोल कोई। अच्छा, ओदो भी इथे एक्सीडेंट होया, पुत्र ने इथे आण के मेर मुक गया। मेरे अपने बच्चे नु 5 महीने हो गए। कोई दवाई दी गई है? नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ये बताओ, आप त्रावड़ी से हो? हाँ, माता जी। हाँ, तो यहाँ यहाँ कैसे सर? हम त्रावड़ी के रहने वाले हैं। त्रावड़ी रहने वाले हो? हाँ सर, हम त्रावड़ी के रहने वाले हैं। यहाँ मेरे भाई के ससुराल हैं। ठीक है, बड़े वाले भाई के। ठीक है, ये भाभी जी अपने बच्चों को, दोनों को लेके लड़ाई करके हमारे साथ मायके आ गई थी। अच्छा, ठीक है सर। तो उसके बाद मतलब इन्होंने, पहले 3 साल का था हमारा बेटा, तो यहीं पे एक्सीडेंट हुआ। दनोली में है उसका मायका? हाँ जी, दनोली। ठीक है, मलकपुर रोड पे डेरा है। समझ गया, समझ गया। पोल्ट्री फार्म के पास है। तो सर उसके बाद परसों इसने कोई बेटे को दवाई दी है, पता नहीं अब वो किस चीज की दवाई थी, किस चीज की नहीं। परसों अरविंद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अच्छा, तो हमें कोई फोन नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया। हमें भी इस बेटे ने फोन किया, ये बड़ा बेटा हमारा, इस बेटे ने फोन किया। तो ये दो बच्चे भाई के? हाँ जी, दो बच्चे हैं। भाई की डेथ हो गई है सर, 5 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। उसका भी जीना हराम कर रखा था। इस औरत ने परसों कोई दवाई दी है, इस बेटे ने हमारे को फोन किया, अभी मम्मी को फोन किया, बड़ी मम्मा उसको कोई दवाई दी है, बेटे को रिएक्शन कर गई है दवाई, तो अरविंद हॉस्पिटल में ले गए। ठीक है सर, तो उसके बाद हमें, इसने कोई फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई फोन नहीं करा, कोई फोन नहीं किया। इस बेटे ने फोन किया। आई है मौके पे? मौके पे नहीं आई, उसका नाना आया हुआ है सर। नाना आया हुआ? हाँ जी, इसका नाना ही, नाना और इसका मामा वहाँ से ले आए थे। आप लोगों को क्या लगता है सर? हमें बार बार घर भी यही कहती थी, भाई मैं इसको कुछ दे के मार दूंगी, और इसने सर वही कर दिया। मेरे को आंदी के सामने नहीं जाता, चुकया नहीं जाता, इनू अपना जा तू लेगा, मैं मेनू दे दे तू, मैं रख लेनी अपने बच्चे जिम्मे भी मैं सामांगी सामांगी, मेरे बच्चे मेरे बुवे तो सोड़ देंदी, मेरे बच्चे ने इस तरह मेरे बच्चे की हालत होंगी। आपको ये लगता है कि इसी की मान है? हाँ जी, कुछ दिया इसको है? आंदी हुंदी सी मैं दे के मार देना है कुछ, अगे और रब नू पता है, जो भी है ने कीता है और रब नू पता है। इस बेटे की, इस बेटे ने हमें फोन किया, बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा उसको दवाई दी गई है, वो रिएक्शन कर गई। किस समय फोन किया आपने? मैंने करा था जब हॉस्पिटल में थे। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में थे? कौन से हॉस्पिटल में थे? वीरेंद्र, वीरेंद्र हॉस्पिटल में थे। अच्छा, किसको फोन किया घर वालों को? क्या कहा आपने? भाई आ जाओ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एक बार देख जो। अच्छा, कौन सी दवाई दी, किसने दी है? ये नहीं, दवाई का नहीं मेरे को पता। अच्छा, तो अभी तबीयत में क्या हुआ? रोटी खाई थी, अच्छा लगा था, मंजी भी लिटाया था। अच्छा, एकदम ही पता नहीं क्या हुआ, फिर इसकी मम्मी ने मेरी बुआ को भी फोन किया। नहीं, मुंह में से कोई ऐसी चीज निकली हो, जाग निकला हो ना, वो उल्टी, वो मतलब उल्टी कह रहा हूँ, वो जैसे वो मुंह टेढ़ा करने लग गया, दौरा पड़ गया, फिर बेड पे लिटाया एकदम, चीज पहले तो जाग निकली मुंह से सारी, फिर बाद में उल्टी करी, फिर बाद में वहाँ ले गए हॉस्पिटल में। तो मतलब जो बता रहे हैं भाई, उसके मुंह में से जाग निकली है, तो उसको कुछ न कुछ दिया ही है सर, कुछ दिया गया सर, शक नहीं हमें तो पक्का। क्यों यहाँ क्यों छोड़ा फिर जब आपको ये पता? सर लड़ाई करके ले आई, हमारी तो बिल्कुल सुनती नहीं है। हमारे शादी को कितने साल हो गए? शादी को सर 14 साल हो गए, मंजरमा लगा हुआ। भाई कब गुजरा? भाई को 5 महीने। वो कैसे गुजर गया? बीमार हो गया था। अभी जैसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पता हॉस्पिटल बीमारी क्या बताई थी, किस वजह से एडमिट करवाया? हाँ जी, सानू नहीं पता सी हॉस्पिटल गए को नहीं गए, सानू कोई पता है। यही फोन गया भी उसको दौरे पड़ रहे हैं। आज तक हमारे घर सर कोई दौरा नहीं पड़ा उसको। उम्र कितनी हो गई थी? उम्र सर 9 साल का। नाम क्या था? वरनदीप उर्फ समर। हाँ बेटा, हॉस्पिटल में गए थे, वो कह रहे थे भाई ना इसको उल्टी आई है, वो ना इसको टेढ़ा लिटाया था, वो ना फेफड़ों में चली गई थी, एक तो पहले से कहीं खराब होएगा, पता नहीं होगा तुम्हारे को, एक में उल्टी फंस गया, तो अब सांस दिक्कत हो रही है, उसको सांस लेने में सांस नहीं ले पा रहा, फेफड़े खराब हो गए। आपका नाम क्या है? अभी आप कितने साल के हो? मैं 13। आपसे छोटा था वो है? वो आप कौन से, वही पढ़ते हो त्रावड़ी? आप पढ़ता था फिर मम्मी के साथ यहाँ। अच्छा, तो वो 1 महीने पहले आया माता यहाँ? हाँ जी, 1 महीना। 26 तारीख को आया पिछले महीने। नहीं, जब आपको इतना डर था, उसकी माता ये कह रही है जी, मैंने उसको नहीं रखना, उसको कुछ देके मार देना है। हाँ जी, तो फिर आपके समझ में क्यों नहीं? हाँ जी, अभी पिछले मंगलवार अस घर इतने आए हैं, दनोली आए हैं लैन अपने बच्चे, छोटा मेरा पोता है घर,
अपना बहु साडी ते अपना ओदी परजाई घर है होर कोई जी नी घर ए मेरे बच्चे नु मेनु पोतरे नु भी पासे कर छड्या सी एना एना भी साडे मथे को नहीं लाया मेनू धक्का मारिया असि एना दी चाची दा घर हुंदा है उथे ओना दे घर आ गए भी मेनू इस तरह धक्का मार के बाहर कढ दिता है सानू बच्चे भी नहीं साडे मलांदी सानू दे दे बच्चे भी जे नहीं एदे कोलो सांभे जांदे सानू ते दे दे मैं ते सांभ लांगी मरदी भी सांभ लांगी अपने पोतरिया नु मेरा पुत्र मर गया है मैं तो नहीं सा मर गई मेरे बच्चिया नु मैं सांभ लेंदी मेरे बच्चिया नु इस रात ना कर दी पहला तो घरों काट लिया पहला काट के तो इन्हें एक्सीडेंट कर दिता मेरे पुत्र का। सर हमें तो इसके मम्मी पापा इसकी दोनों भाभियां और इसका एक भाई है कृष्ण और ये हमारी भाभी इनके शक्कर सर हम सभी पे शक्कर हाँ जी बिल्कुल शक्कर करनाल से सब लेके आए यहाँ हाँ जी सर करनाल से मृतक लेके आए यहाँ मृतक लेके आए सर वो भी मैंने फोन किया असंध थाने में भी हमारे बेटे का संस्कार ना वो हमने पोस्टमार्टम करवाना वो भी मैंने फोन किया मेरे मम्मी पापा को तो होश नहीं थी उसके अभी पुलिस आई है सर पुलिस वाले लेके आए हैं काके पुलिस वाले गए थे इनके डेरे पे पोस्टमार्टम होगा हाँ जी अब पोस्टमार्टम होगा एक बार फिर बताइए किस किस के खिलाफ सर इसके नाना जी हैं बलदेव राज और इसकी नानी है सुखराज वीर इसकी मामी है एक ज्योति एक रजनी और इसका मामा है कृष्ण और मेरी भाभी है सीमा सर हमें तो इनपे शक है यही करता करती सारी ने नहीं कीता है सानू कोई पता नहीं है ना पंजाब छियाद विच सानू कोई पता नहीं एक महीने पहले आया था बीच में बात हुई कभी बीच में फोन पे बात हुई कभी हाँ जी ना ये देखा ये चोरी फोन करता था हमारे घर कभी कभी बात हुई बीच में भैया से बात हुई हो मम्मी से बात हुई हो सर कोई बात नहीं हुई हमारे साथ इसकी होती थी बस वो भी चोरी करता था अच्छा तो कभी तेरी मम्मी ने कुछ बोला हो तेरे भैया के बारे में अच्छा तो कहती थी तेरी मम्मी ऐसे कि मैं मेरे से नहीं संभलता मम्मी कहती तो नहीं थी जैसे कभी घर होती थी ना जैसे कोई ज्यादा दिक्कत होती थी मम्मी कहती थी मेरे से इससे अच्छा तो मरी जाए मेरे से संभालना नहीं जाता अपने बच्चे के बारे में ऐसा बोलो सर माँ नाम पे कलंक है ये माँ नाम पे ही कलंक लगा रखा है इस औरत ने इसने बहुत दुखी कर दिया सर 14 साल में हमारा घर खाली कर दिया इनके पिता क्या दो महीने दो दो महीने थे आके ला जाती है जब बच्चिया मेरे को छी सी इस मुंडे नु भी छोटे नु भी जेड़ा पास होया उन्हों अखा च भी नहीं दिसदा एक्सीडेंट नाला ना बेचारा चल सकदा मंजी ते बैठा सी पिता जी क्या काम करते थे ड्राइवर सन गड्डी चलांदे सन तो सुख ओला सोला सुख दे के कोई पढ़ लेते ना देते साथ में ना भेजते आप क्या आपको अपनी क्या बताएं नहीं जब वो ये कह रही है भाई मैं तो सर धक्के से लेके आई है मेरी माँ को धक्के मारे मेरे पापा को धक्के मारे उस फिर लेके आई है गंदे इंजाम लगाती है सुने भी नहीं जाते तो आपकी शादी हुई है अच्छा आपको कब पता लगा मुझे तो आपकी किस जगह आपकी शादी सर मैं तो शाहबाद से मैं बुआ हूँ बेटे की अच्छा बेटे की बुआ हाँ जी मैं तो शाहबाद से आई हूँ सर ठीक है अभी पहुँचे हम तो अभी किन किन के किन किन के खिलाफ चाहते हैं कार्रवाई हो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਸਭ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਸਰ ਪੰਚੋ ਕੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਡਰਦਾ ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਯਹੀ ਆਇਆ ਥਾ ਕਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਯਹੀ ਥਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਇਸਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੀ ਇਸਕੋ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਹਜੇ ਪਰਸੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਲਟੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਆਪਕੋ ਕੀ ਲਗਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਆ ਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਮੰਮੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਾ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਫਸ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਹੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਹ ਛੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਇਨ ਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕੌਣ ਕੌਣ बलदेव राज नाना है लड़के का सुखराज वीर है नानी सीमा है माँ कृष्ण है मामा रजनी है मामी और एक तो पोस्टमार्टम के बाद ये पता लगेगा कोई जहरीली चीज गई है कैसे निकली सब अच्छा पता लगा अभी पोस्टमार्टम हुआ है पुलिस आने वाली होगी तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एक दादी और उस बच्चे की ये बुआ है और उस बेटा साइड हो जा उस बच्चे का ये बड़ा भाई है जिनको ये शक है
कि उनके बेटे बेटे का क्या नाम बताइए था? वरनदीप उर्फ समर। और उम्र? उम्र सर 8 साल। 8 साल कौन सी क्लास में पढ़ता था? सर पढ़ता नहीं था ये। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था पहले? एक्सीडेंट किया था यहाँ यही जब 3 साल का था, तो यही एक्सीडेंट करा इसने। एक्सीडेंट भी यही होया, मेरे बच्चे का, मेरा बच्चा खत्म ही यही होया। अगले दिन जन्म नहीं था। अच्छा, उससे अगले दिन बर्थडे था। हाँ जी, ओदो 3 साल का होया। पहले भी कलेश करके लेके आई है बेटे को, ओदो भी घरों लड़के आई सी। ये ना सड़क पे गिर रहा था, हम तो साइकिल पे आगे घूमने गए थे, ये सड़क पे गिर रहा था, एकदम कार वाला इसको टक्कर मार दी, और हमारे को नहीं पता भाई टक्कर मारे, हम तो आगे थे सैर करने गए थे साइकिल पे। तो फिर ये 3 साल, जब 3 साल का था तब की बात है सर ये। अब तो कुछ दिया गया इसको, तो पोस्टमार्टम के बाद जो है पता लग जाएगा, और उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई है वो देखना होगा कि किस तरीके से जाती है। एक माँ के ऊपर आरोप है कि अपने ही बेटे को कुछ जहरीला पदार्थ खिला करके अपने बेटे को जो है मौत के घाट उतारा है। पुलिस वेरिफिकेशन का काम है, तस्वीर को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या कलयुग में माँ इस तरीके से जो है एक रूप धारण कर चुकी है कि वो अपने ही बच्चे को अपने ही हाथों किस प्रकार से खत्म कर देती है। पुलिस मौके पर पहुंचने वाली है, बने रहे और जुड़े रहे।